हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारी नाक से संबंधित चार मुख्य बीमारियां होती हैं। पहली बीमारी तो होती है कॉमन कोल्ड यानी सामान्य सर्दी जुकाम। दूसरी बीमारी होती है नेजल पॉलिप यानी नाक के रस्ते में मांस बढ़ जाना या पॉलिप बढ़ जाना या मस्सा बढ़ जाना। तीसरी बीमारी होती है एलर्जिक राइनाइटिस यानी किसी एलर्जी के कारण हमारी नाक के रस्ते में सूजन हो जाना और उससे तमाम तरह की परेशानियां पैदा होना। उसकी चौथी परेशानी है साइनसाइटिस यानी जो साइनस है नाक के रस्ते में जो साइनस है साइनसेस में सूजन हो जाना और उससे तमाम तरह की परेशानियां पैदा होना। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं नेजल पॉलिप्स के बारे में। यदि आपने मेरा वीडियो कॉमन कोल्ड के बारे में, साइनसाइटिस के बारे में या एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी अवश्य देख लीजिएगा। इनसे नाक से होने वाली परेशानियों, बीमारियों और उनकी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, जब किसी कारणवश नाक के अंदर साइनस पैसे नाक के अंदर नेजल पैसेज में साइनसेज में या नेजल लाइनिंग पर कोई मांस मस्सा या गांठ या लंप बढ़ जाए तब इसी स्थिति को नेजल पॉलिप्स कहते हैं। ये मस्सा या गांठ जो बढ़ जाती है नाक के रास्ते में सांस लेने में रुकावट पैदा करती है और तमाम तरह की परेशानियां पैदा करती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे नाक के अंदर मस्सा बढ़ जाना या मांस बढ़ जाना कहते हैं। आमतौर पर इसमें कोई दर्द नहीं होता है और न ही ये कैंसरस होती है। यह नेजल पॉलिप नाक के रास्ते में पानी की बूंद की तरह या अंगूर के तरह लटके होते हैं और नाक के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। ये नाक में एक तरफ हो सकता है और दोनों तरफ भी हो सकता है, ये एक हो सकता है या छोटे छोटे कई हो सकते हैं। जब तक दोस्तों ये छोटे छोटे पॉलिप्स रहते हैं तब तक न तो ये कोई सिम्टम प्रकट करते हैं न ही इनसे हमें कोई परेशानी पैदा होती है, लेकिन जैसे जैसे ये पॉलिप्स बड़े होते जाते हैं तो ये नाक के रास्ते को बाधित करते हैं और सांस लेने में परेशानी पैदा करते हैं। मरीज द्वारा बताए जा रहे लक्षणों के आधार पर भी नेजल पॉलिप्स का पता चलता है और नाक के अंदर रोशनी देकर देखने से भी ये साफ दिखाई पड़ जाते हैं। शुरुआत में इनके लक्षण देख करके जुकाम का एहसास होता है पर जुकाम के इलाज से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनसे कोई फायदा नहीं होता है। ये नेजल पॉलिप किसी के भी हो सकते हैं पर प्रायः देखा गया है कि 9 से और 20 साल के लड़कों में ये ज़्यादा परेशानी ज़्यादा देखने में आती है। लड़कियों और महिलाओं में नेजल पॉलिप्स की शिकायत आमतौर पर देखने में नहीं आती। हमारे कंजर्वेटिव सिस्टम में इन नेजल पॉलिप्स को ऑपरेशन द्वारा काट करके निकाल दिया जाता है पर प्रायः देखा गया है कि ये फिर से नजर आने लगते हैं, फिर से बन जाते हैं। नेजल पॉलिप्स नेसल पैसेज या साइनसेज में कहीं पर भी बन सकते हैं पर प्रायः देखा गया है कि ये हमारी चीक बोन में यानी इस एरिया में आँख के नीचे जहाँ पर सभी साइनसेज अपना फ्लूड छोड़ते हैं, सभी साइनसेज अपना म्यूकस निकालते हैं, यहाँ पर बनते हैं। ये पॉलिप्स सांस लेने में परेशानी पैदा करते हैं और नाक के अंदर इरिटेशन और अनइजीनेस पैदा करते हैं। इसके लक्षणों के बारे में अगर बात करें तो इसके लक्षण पहला तो यही होगा कि ये नेजल कंजेशन पैदा करते हैं यानी सांस लेने परेशानी पैदा करते हैं और दूसरा यह है कि तेज हवा में या पंखे के सामने लेटने से नाक बंद हो जाती है और मुँह से सांस लेना पड़ता है। सूंघने की शक्ति में कमी महसूस हो सकती है, पुअर सेंस ऑफ टेस्ट यानी आपको स्वाद में भी कमी महसूस होगी, नाक के अंदर सूजन और बेचैनी का आभास होगा, रनिंग नोज यानी नाक से पानी हमेशा आता रहेगा, लगातार छींके आ सकती हैं, आँखों के आसपास खुजली हो सकती है, स्टफी नोज यानी नाक आपको लगातार ठस मालूम होगी, नाक बंद मालूम होगी। पोस्ट नेजल ड्रेनेज का मतलब है नाक के अंदर पीछे गले में आपको नमकीन पानी सा गिरता हुआ महसूस होगा। ये म्यूकस है जो इधर से नहीं आ पाता है नाक के रास्ते से तो गले में टपकता है। ऊपर के दांतों में दर्द महसूस हो सकता है, चेहरे और सिर में दर्द महसूस हो सकता है यानी फेशियल टेंडरनेस आपको मालूम होगी, सोते समय खर्राटे आ सकते हैं, बार बार नाक से खून आ सकता है, क्रॉनिक साइनसाइटिस बनी रहेगी। हालांकि क्रॉनिक साइनसाइटिस कई अन्य कारणों से भी बनती है पर यदि नाक में नेजल पॉलिप्स हों तो भी क्रॉनिक साइनसाइटिस बनी रहेगी। आँखों में परेशानी महसूस हो सकती है, रिस्ट्रिक्टेड आई विजन हो सकता है या डबल विजन हो सकता है यानी डिप्लोपिया की शिकायत हो सकती है, सिर दर्द और माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, अगर इसके कारणों के बारे में बात करें तो अभी तक ऐसा कोई कारण मेडिकल साइंस कंफर्म नहीं कर पाई है पर कुछ रिस्क फैक्टर्स में सामने आते हैं। पहला रिस्क फैक्टर तो यही है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है, हमारे माता पिता में से किसी को नेजल पॉलिप्स की शिकायत थी तो ये काफ़ी उम्मीद है कि ये हमें भी हो सकती है।
या ऐसी कंडीशंस जिसमें नेजल पैसेज में लगातार इरिटेशन होता रहे, जैसे हम किसी टोबैको इंडस्ट्री में काम करते हैं या किसी वुड कटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं या केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, या हम लगातार एलर्जेंस के संपर्क में रहते हैं, इन्फेक्शन के संपर्क में रहते हैं, तब भी ये परेशानी देखने में आती है। एस्पिरिन सेंसिटिविटी, तमाम ऐसी दवाइयाँ जिनमें एस्पिरिन शामिल होती है, बहुत से लोगों को इनसे सेंसिटिविटी होती है और इनसे नेजल पॉलिप्स बनने लगते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, वैसे तो आमतौर पर बच्चों में होने वाली फेफड़ों की बीमारी है, पर इस डिसऑर्डर में होता यह है कि ये डिसऑर्डर हमारा जो म्यूकस है, म्यूकस को जरूरत से ज़्यादा स्टिकी और चिपचिपा बना देता है। विटामिन डी की कमी से भी ऐसा हो सकता है। अगर हमारा इम्यून रिस्पांस कमज़ोर है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तभी ये सब परेशानियाँ पैदा होती हैं। अस्थमा के मरीजों के लगातार संपर्क में रहने वाले लोगों को भी नेजल पॉलिप्स की शिकायत देखी जाती है। इसमें दोस्तों कॉम्प्लिकेशन अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशन ये होंगे कि ये कई तरह की परेशानी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये नाक के रास्ते को बंद कर देते हैं और इसे सांस लेने में परेशानी हो सकती है, और ये फ्लू ड्रेनेज को भी रोक देते हैं, यानी जो हमारा म्यूकस आता है इसको भी रोक देते हैं, तो लगातार लंबे समय तक नेजल पैसेज में इरिटेशन और स्वेलिंग पैदा कर सकते हैं। ऑब्स्टिनेट स्लीप एपनिया हो सकती है, यानी आप सोते समय आपकी नाक अचानक बंद महसूस होगी और आप हड़बड़ा के उठ जाएंगे, इस तरह से आपको ठीक से नींद नहीं आएगी और आपको नींद में डर का एहसास होगा कहीं नाक बंद ना हो जाए। अस्थमा यदि है तो नेजल पॉलिप से बढ़ सकता है। जो साइनस हैं उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। नाक द्वारा सांस लेना बाधित होने पर मुंह से सांस लेना होता है, और मुंह से लगातार सांस लेने पर, यानी सोते समय भी अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमें हाइड्रोटोसिस हो सकता है, यानी हमारी सांस में बदबू आ सकती है, दांत टेढ़े हो सकते हैं और गंदे हो सकते हैं। तो दोस्तों अब बात रही इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में, तो हमारी सलाह हमेशा की तरह यही रहेगी कि आप अपने पास के होम्योपैथिक डॉक्टर साहब पास जाएं, उन्हें अपनी परेशानी बताएं, वो देखेंगे कि एक्चुअल परेशानी है क्या, और फिर वो जो आपके सारे लक्षण मिला करके जो दवा देंगे उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। हम आमतौर पर जो अपने यहाँ ये दवाइयाँ देते हैं उन्हें पहली दवाई तो देते हैं, चूँकि ये एक ओवर ग्रोथ है, तो ओवर ग्रोथ के लिए थूजा सबसे अच्छी दवाई है, तो हम पहली दवाई देते हैं थूजा 200। थूजा 200 की 4 गोलियां या 4 बूंद रोज सवेरे सवेरे देते हैं। दूसरी दवाई है लेमनामिनोर 30। लेमनामिनोर 30 की 4-4 बूंदें या 4-4 गोलियां दिन में 3 बार देते हैं। अगर नाक के अंदर क्रॉलिंग सेंसेशन महसूस हो सकता है, लगता है कुछ चल रहा है, तो उसके लिए हम ट्यूक्रियम मारम्बेरम 30 पावर में देते हैं, ये भी 4-4 बूंदें या 4-4 गोलियां दिन में 3 बार होती है। कैल्केरिया फ्लोर, चूँकि इस तरह की ग्रोथ को गलाने के लिए ये सबसे अच्छी दवाई है, कैल्केरिया फ्लोर 6x की 4-4 गोलियां दिन में 3 बार देनी है, ये मुँह में डाल करके चूसना है, पानी के साथ नहीं लेना है। एक REPL का ड्राप आता है 73, तो 73 ड्राप भी नेजल पॉलिप्स के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है। इस ड्राप की 1/4 कप पानी में 15-15 बूंदे डाल करके दिन में 3 बार लेना है। इसमें भी देखा गया है कि नेजल पॉलिप्स की शिकायत धीरे धीरे ये डिसअपीयर हो जाती है और ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो नेजल पॉलिप के बारे में, आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स और सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, नमस्कार।